बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फॉर्म? मैं भी ठीक ठाक हूं। आपको बहुत ज़बरदस्ती जो है मैं कोयला कोरमा बनाना बता रही हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन करके सारी मैं बाहर निकाल लूँगी, फिर आगे का स्टेप बताऊँगी। बहुत ज़बरदस्ती कोयला कढ़ाई जो है रिकॉर्ड तोड़ देगा इंशाल्लाह। कोयला कढ़ाई आप जिस तरह बनाते हैं उससे थोड़ा अलग है। कोयला कोरमा बहुत ज़बरदस्त ही रेसिपी होती है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये सारी प्याज मैं ब्राउन करके पहले बाहर निकालूंगी। 5 अदद प्याज ले ली है मैंने, सही है, बड़ी बड़ी 5 अदद प्याज हैं और वो मैं ब्राउन करके बाहर निकाल दूँगी। स्टे कनेक्टेड विद मी। हमारी प्याज ब्राउन हो गई, जिसको हमने कोयला सुलझाने के लिए रख दिया है कोयले को, सही है। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर अपने गर्माइश में ही और ज़्यादा इसकी कलर चेंज हो जाएगा कि हम निकाल लेंगे इसको। मैंने ये बाउल ले लिया है, इस बाउल के अंदर मैं कुछ मसाले जात शामिल करती जाऊँगी और बताऊँगी किस तरह से इसकी जो है मैरिनेशन होगी। तो सबसे पहले मैं दही ले लूँगी, तो ये लगभग 1 पाव के करीब दही है मेरी, ये दही शामिल कर दी है इसके अंदर। इसी में मैंने कुछ मसाले, कोरमा मसाला है ये मैंने ले लिया था शाम का कोरमा मसाला, तो ये आप भी ले सकते हैं। तो ये शामिल कर दूंगी 2 से 3 टेबल स्पून, अपने जायके के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं, सही है। और अगर घर के मसालों से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी आप कोरमे की रेसिपी देख लीजिएगा, घर के मसाले, कोरमे का मसाला कितना बनाया जाता है, तो वो उस रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है ये 2 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी और इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसमें ब्राउन की हुई प्याज भी शामिल कर दूँगी। इससे शामिल करने से पहले मैं इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैं इन मसालों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसमें जो है ये प्याज है ब्राउन की हुई, ये शामिल करूँगी। और अब इसमें मैं चिकन शामिल करूंगी, चिकन मैंने धो ली थी, इसको मैं शामिल कर दूंगी। इन सबको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूंगी। इस चम्मच में मैंने सुलगाया हुआ कोयला रख दिया है, सही है। इसके ऊपर मैं थोड़ा ऑयल डालूंगी और फौरन से ढक देना है ताकि इसका धुआं बाहर ना आए। अब इसको मिलती हूँ मैं आपसे 1/2 घंटे बाद। इससे कनेक्टेड विद मी। अब महिला कोयले की हम धूली दे चुके हैं चिकन को, तो चिकन कोयला चिकन कोरमा मैं अब रेडी करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं, पहले मैं ऑयल ले लूँगी पतीली में। ऑयल अब गर्म हो गया, इसमें चिकन शामिल कर देंगे हम। मसालों समय जिसको हम अच्छी तरह भून लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार ये कोयला कोरमा तैयार होता है चिकन का। आप बीफ का भी कोयला कोरमा बना सकते हैं, मटन का भी बना सकते हैं और फिश का भी कोयला कोरमा बनाया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त फिश का कोयला कोरमा तैयार होता है, तो मैं आज चिकन का बना रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार सा ये कोरमा रेडी होगा। को अच्छी तरह भून लेंगे कि हमारा मसाला अच्छी तरह से कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमें जो है भून लेना है चिकन को, तभी कोरमे का मज़ा अच्छा होगा। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया है, देखिए हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल मैश हो गई है, प्याज इसमें अच्छी तरीके से जो है मसाला बन चुका है। अब इस पॉइंट पर हमें डालना है पानी, पानी कभी भी पहले नहीं डाले और आखिर में, मतलब भुनाई करने के बाद ही पानी शामिल होता है। जितनी अच्छी तरह से पहले भुनाई कर लें वरना फिर बाद में भुनाई नहीं हो सकती क्योंकि गोश्त टूटने का डर होता है। अभी गोश्त कच्चा सा है तो भुनाई मसालों की अच्छे तरीके से हो सकती है, तो गोश्त टूटने का डर भी नहीं होता है शुरू में भुनाई करते वक्त। तो इन बातों का ध्यान रखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त ये कोयला कोरमा तैयार होगा। तो ये देखें किस तरीके से मैं भुनाई कर रही हूँ कि मसाला पूरा मैश हो जाए। ब्राउन की भी प्याज जो मैंने मैरिनेट करते वक्त डाली थी वो मैश हो रही है,
अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूंगी। चिकन तो जल्दी गल जाएगी, भुनाई भी अच्छी खासी हो गई है, तो पानी शामिल कर दिया है मैंने इसमें। इससे कनेक्टिव विद मी, मिलती हूँ मैं आपसे 20 मिनट बाद। खुशबू के लिए थोड़ा केवड़ा ऐसा शामिल कर रही हूँ मैं। ये देखिए व्यूअर्स, अलहमदुल्ला से हमारा ज़बरदस्त है ये देगी कौरमा और कोयला चिकन कौरमा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए इतनी अच्छी सी लुक आई है इसकी और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इससे बारबेक्यू की खुशबू आती है ना, उस तरह की खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप भी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो अब आपको जितना का शोरबा पसंद है उसे लिहाज आप इसको रख सकते हैं शोरबे को, और जितना आपको ऑयली पसंद है वो ज़्यादा तो ऑयल रख सकते हैं। हम लोग इतना ही खाते हैं हमारे घर वाले। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, लेट स्टे कनेक्टेड विद मी। ये लीजिए ज़बरदस्त हमारा रेडी है। ये देखिए व्यूअर्स, अलहमदुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त था चिकन कोयला चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। बहुत ही यूनिक रेसिपी बताई है मैंने आपको, बहुत मज़ेदार होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है, इसको आप तंदूर के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ और पुलाव के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और सबको खिलाइए, एंजॉय करवाइए। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक हर उस जगह से आपको रिज़्क़ खुशी और नेमतें अता करे जहाँ से आपका गुमान भी ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।